अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू डिस्कस टुडे, बहुत सारी बातें होंगी और क्योंकि पूरा हफ्ता हमने पिछला जो है वो क्रिकेट को दिया, तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्रिकेट के बारे में कम से कम गुफ्तगू करें। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़र। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हेरेवर यू आर वाचिंग आवर प्रोग्राम। एंड यस, आज जरा बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। जैसे कि सवेरा ने कहा कि कल पिछले हफ्ते काफ़ी क्रिकेट की बात की गई और जितना डाइसेक्ट हम कर सकते थे क्रिकेट को वो सब हमने कर लिया, बट नाउ आज बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है। दो तीन बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, बल्कि हमने एक आउटिंग भी की अभी रिसेंटली, वो भी वी हैड अ गुड टाइम देयर, तो वो हम उस वक्त उसकी बात करेंगे। सो या वेलकम टू द शो, एंड एज ऑलवेज जैसे कि इस प्रोग्राम का मामूल है, हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ। सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, स्टार्ट विद सवेरा। सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? तो चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की गद्दाफी स्टेडियम में हुई अहम मुलाकात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया और इंग्लिश टीम को रवा साल दो मरतबा पाकिस्तान का दौरा करना है। सो रमेश राजा कहते हैं कि इंग्लैंड की मेज़बानी करने के लिए पुरजोश है और क्रिस्टन टर्नर कहते हैं कि क्रिकेट दोनों ममालिक को जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है क्रिस्टन टर्नर जो हैं ये बड़े एक्साइटेड थे लास्ट टाइम भी सवेरा, जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान हारी थी, बेचारों को बड़ा जैसे कहना चाहिए कि उनको भी शर्मिंदगी कुछ लानी पड़ी थी जिस बिहंगम अंदाज से इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया था। बहरहाल जी, इंग्लैंड की टीम इस वक्त खेल रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, रिमेंबर दे आर लीडिंग इन द सीरीज 1-0, और इस वक्त लंच है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में जो टेस्ट मैच जारी है। और अगर मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लूँ इसकी, 299 रन चेस करने को दिया है चौथी इनिंग में इंग्लैंड को। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में वो 284 रन बना के आज सुबह आउट हो गए थे, 36 रन बना लिए इंग्लैंड का, एक खिलाड़ी आउट हुआ। इस वक्त ओली पॉप बैटिंग कर रहे हैं, पॉप बैटिंग कर रहे हैं 6 रन पे और एलेक्स लीज मौजूद हैं 30 रन पे। कुल मिला के इस वक्त 63 ओवर्स का खेल होना है इंग्लैंड को जीतने के लिए, 263 रन ही चाहिए। सो वेल आई थिंक द अग्रेशन कैन विन द गेम, बट आई सी दिस मैच हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ। लेट्स सी, थोड़े घंटों में पता चल जाएगा। बिल्कुल, सो परफॉर्मेंस पहले जिस तरह टेस्ट की आई थी, अब भी देखना है कि कैसी परफॉर्मेंस आती है। बट टॉकिंग अबाउट कश्मीर प्रीमियर लीग, तो कश्मीर प्रीमियर लीग में उम्दा परफॉर्म करने वाले मिडल ऑर्डर बैटर काशिफ अली का इंग्लिश काउंटी वर्स्टशायर से मुआहदा। काशिफ अली ने कश्मीर प्रीमियर लीग में रावला कोट की नुमाइंदगी की थी और धुआंधार सेंचुरीज बनाई थी और फाइनल में निफ्ट सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को। लाइव क्रिकेट के हवाले से आपको एक और अपडेट देते चलें। इस वक्त श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पालिकेले में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिस इज द फर्स्ट ओडीआई ऑफ द सीरीज, याद रहे जी T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने नाम कर चुका है। पहले ओडीआई में श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस वक्त 43वें ओवर का खेल जारी है, 234 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ वो अच्छा एक्सेलरेट करने में कामयाब हुए, देन दे कैन क्रॉस 300 रन एज वेल। कौशल मेंडिस हाईएस्ट स्कोरर हैं, 65 रन पे इस वक्त वो बैटिंग कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पीरू को सनसनी खेज मुकाबले में के बाद पेनल्टीज पर शिकस्त दे दी और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ, मुकर्रा वक्त तक कोई भी गोल नहीं कर सका, एंड इवेंचुअली जो बात आई वो आई पेनल्टीज पे, और पेनल्टीज में पीरू को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली 31वीं टीम बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल 5वीं बार क्वालिफाई किया, ये अब 5वीं बार होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर। एब्सोल्युटली, ऑस्ट्रेलियन अपनी फुटबॉल टीम को सॉकरूज कहते हैं। और बड़ा अगर इसमें मैं सवेरा थोड़ा सा करता चलूँ, वर्ल्ड कप में कुल मिला के 32 टीमें पार्टिसिपेट करनी है, सो 31 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, अभी एक टीम रह गई। जो आखिरी दो टीमें क्वालिफाई हुई हैं ये क्रॉस कॉन्टिनेंट मैचेस होते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट्स द AFC व्हिच इज द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, वहाँ से वो प्ले ऑफ खेलें अगेंस्ट द साउथ अमेरिकन टीम पेरू। अब एक और जो 32वीं टीम होगी, ये दो ममालिक हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं, न्यूजीलैंड एंड कोस्टारिका, इन दोनों के दरमियान ये मैच होना है। जो टीम जीतेगी दे विल कंप्लीट द लाइनअप ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप जो कि इस साल के एंड में कतर में होने वाला है। आप जा रही हैं वर्ल्ड कप देखने कतर?
कतर पता नहीं मगर हाँ बोले इदारा भेज दे अगर तो फिर हम चले जाएंगे, टाइम निकाल लेंगे हम। दो दो वर्ल्ड कप होने हैं इस दफा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी है, अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग अदील, बहुत घूम, मतलब आप फिर एक वर्ल्ड कप में आप जाइएगा, एक वर्ल्ड कप ऐसा करते हैं, आई विल टेक द क्रिकेट वन, ठीक है, नहीं नहीं उल्टा कर देते चलें जी। तो खैर ये जो है ये तो हमारी खैर डिस्कशन चलती रहेगी, बट जिस तरह हमने बात की कि आज जरा कुछ कुछ डिफरेंट किसी चीज़ पे बात करेंगे, किसी डिफरेंट स्पोर्ट पे बात करेंगे, बट नॉट जस्ट स्पोर्ट, एक इशू पे बात करेंगे जो हमारी स्पोर्ट्स आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो कि फेस करती रहती है, और ये एक और एक मेजर इशू है जो कि फेस कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है साइकिलिंग फेडरेशन से सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं मौज़म खान साहब, और द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान साइकिलिंग टीम मोहसिन खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मौज़म साहब, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी क्या इशू हुआ हुआ है वीज़ास का, और कितनी उम्मीद लगती है और कितना टाइम फ्रेम बाकी रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल तो हमने कल सुबह जो है वो इंडिया के लिए रवाना होना था, लेकिन क्योंकि अभी तक जो है वो हमें वीज़े नहीं मिले, तो जिसकी वजह से हम कल सुबह जो है वो रवानगी में ताखीर है। कल भी और आज भी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी और दूसरे मेंबर्स भी इंडियन एम्बेसी के साथ वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और उनके बकौल के वीज़ों का डिले जो है वो इंडिया से वो जो आ रहा है, लेकिन वहाँ से इतलात आ रही हैं कि जी वीज़े वहाँ से वो कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ताखीर है, और मैं समझता हूँ कि वो ताखीर की वजह से लड़कों में बच्चों में जो है वो एक तजबजब का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा प्लान था कि 3 दिन हम पहले पहुँचते, तो क्योंकि वहाँ पर वुडन ट्रैक है साइकिलिंग का, तो हमारे बच्चे क्योंकि यहाँ पे वुडन ट्रैक हमारे पास अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे जाके वो 2-3 दिन जो है वो प्रैक्टिस कर लेते तो हमारे खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते और वहाँ के एटमॉस्फेयर में और वुडन ट्रैक पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर डिले है जी, और कितना डिले है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि एज सून एज पॉसिबल अगर ये हमें वीज़ा मिल जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है उसको वहाँ पे लेके जा सकें। बिल्कुल, मैं नाज़रीन को भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि हम इस इशू पे किस इशू पे बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप होनी है भारत में, और जो कि 18 तारीख से शुरू होनी है, टुडे इज़ दी 14th, और 18 जून से जो है ये शुरू होगी और न्यू दिल्ली में ये खेली जाएगी, और अभी तक जो हमारे पाकिस्तानी साइकिलिस्ट हैं उनके वीज़ाज इशू नहीं हुए हैं दो के, जिस तरह अभी मौज़म साहब ने बताया कि कल रवानगी हो जानी चाहिए थी, बिकॉज कल 15th हो जाएगी, टाइम ही कितना बचेगा 18th और 15th में, सिर्फ 3 दिन का बीच में टाइम बचता है, तो ये एक इशू सामने आया हुआ है हमारी साइकिलिंग फेडरेशन को, हमारी साइकिलिंग टीम को ये एक इशू फेस करना पड़ रहा है जी। हाँ जी मौज़म साहब, ज़रा मैं जानना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के ज़रा कंटिंजेंट के हवाले से हमको बताइए कितने हमारे साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ज़ाहिर है साइकिल की साइकिलिंग या वैसे तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, बट ये जो ओलंपिक स्टाइल साइकिलिंग होती है एज अ डिसिप्लिन ये इतना पॉपुलर नहीं है, लोगों को इनकी कैटेगरीज का नहीं पता कि कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अगर आप ये बताइए कि अल्लाह करे आप लोगों को वीज़ा मिल जाए तो एक तो हमारे कितने साइकिलिस्ट जा रहे हैं और हम किन किन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? उसमें ये है कि हमारे 4 साइकिलिस्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, और कुछ तकरीबन 4 से 5 कैटेगरी हैं, वैसे तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एशियन में, लेकिन ऑब्वियसली हमने उन कैटेगरीज़ को के लिए क्वालिफाई लड़कों को लेके जाना है जो उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे भी सके। सही। उसके अंदर तो जाहिर है कि क्योंकि एशिया है, पैरा ओलंपिक है, यू नो फीमेल पैरा ओलंपिक्स भी है, यू नो
एशिया में, तो लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे पास वो पैरा के तो नहीं है, लेकिन जो है वो हमारे पास जो मेल जो है वो खिलाड़ी है वो इसके अंदर चार खिलाड़ी पे जो हमारे टॉप पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपके सामने मोहसिन पांच जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और इस वक्त ये पाकिस्तान का जो है वो अनऑफिशियली जो है नेशनल रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त ब्रेक कर रहा है। तो उम्मीद ये है कि अगर हमें जल्दी अगर हम चले गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो वहां पे देंगे इंशाल्लाह। मोहसिन, जिस तरह अभी मौज़म साहब ने बात की कि क्योंकि वुडन ट्रैक्स और यहाँ वुडन ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये चेंज ओवर करना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाके एक डिफरेंट किस्म के ट्रैक पे साइकिलिंग करना, कितना मुश्किल आपके लिए ये टास्क हो जाता है? जी, जिस तरह देखिए मौज़म साहब ने बोले कि वीज़े जो हमें नहीं मिले ना, हमें 3-4 दिन पहले जाके उधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट ना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रैक में इस ट्रैक में बहुत काफ़ी फ़र्क है। ये ट्रैक का सीमेंट का ट्रैक है, वो जो है लकड़ी का वुडन का है ना, तो हमें जाके उधर से थोड़ा सा ट्रेनिंग हासिल करते हैं, थोड़ा सा और हम बेहतर कर सकते हैं। अभी एंड मौके पर हम लोग वीज़े देंगे तो उस तरह परफॉर्मेंस हम लोग नहीं कर सकते ना, जिस तरह हम इधर से तैयारी करके जाते हैं तो अचानक से एक दिन पहले वीज़ा मिलता है तो उधर जाके थोड़ा सा मसला होता है फिर इस तरह। मोहसिन, आपसे मैं कंटिन्यू करूंगा सवाल कि आप अभी जैसे कि मौज़म साहब बता रहे थे कि आप पाकिस्तान का अनऑफिशियल आप पाकिस्तान रिकॉर्ड जो है वो बना रहे हैं, सो हम जब कंपेयर करते हैं उस रिकॉर्ड को, और ज़ाहिर है आप सीमेंट पे बना रहे हैं, तो पहले तो हमें ये तो क्लेरिफाई कीजिएगा कि जब सीमेंट से आप वुडन वेलोड्रोम में जाएंगे तो क्या इम्प्रूव हो जाता है वहाँ पर जाके, क्या बढ़ जाती है स्पीड, और अगर आप अपने आप को बेंचमार्क करते हैं, अपना आप तकाबुल मुकाबला करते हैं एशियन लेवल पे, तो हम कहाँ पे इस वक्त पाकिस्तानी एथलीट और आप जो हैं वो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? बिल्कुल जी, मैं जिस तरह अभी पाकिस्तान में जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको मैं ट्रेनिंग में ब्रेक करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3-4 दिन जाने से हमें यह फ़ायदा होता है कि उसमें हमें थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हाथ हमारा बैठ जाते हैं, हमारे पाँव बैठ जाते हैं, क्योंकि उस ट्रैक में इस ट्रैक में बहुत काफ़ी फ़र्क है। ये ओपन है, वो बंद है ना, वो सीमेंट और ट्रैक में फ़र्क ये कि थोड़ा ये हमारा ट्रैक भी जो बहुत हार्ड है वो नरम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चलने से हमें ये महसूस होगा कि यार कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, थोड़ा सा आउट बैलेंस हो जाता है हमारा वहाँ पर, तो इसमें यह मसला आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा। So, मौज़म साहब, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि वुडन ट्रैक की अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इस तरीके का एक सिमिलर ट्रैक हो कि हाँ जी ठीक है यहीं से लड़के जो है वो प्रिपेयर होके जाएं एशियन गेम्स के लिए, एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप के लिए? जी, हमने पहले भी बहुत सारे टाइम पे जो है वो इसके ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की है कि हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है वुडन ट्रैक जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जो कि इस वक्त हमारे पास जो ट्रैक है सीमेंटेड ट्रैक है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कि ऑलमोस्ट अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुका हुआ है, जो कि ट्रैक भी जो है वो 333 मीटर का ट्रैक है, जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अब इस वक्त जो जा रहा है वो 250 मीटर्स का है, वो छोटा है उसका साइज़, तो वो अगर पाकिस्तान में बन जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो साइकिलिंग की हिस्ट्री है वो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीमेंट में हार्ड होता है, वहाँ जिस वक्त ये जाएंगे तो वो इतना सॉफ्ट होगा और इतना इतना जिसको कहते हैं प्लेन होगा कि उसके ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कुछ दिन मिल जाएं तो को अगर वो ट्रैक अगर हमारे बच्चे यहाँ पे अगर वुडन ट्रैक पे ट्रेनिंग करके जाएं तो उनको कोई वहाँ पे मसला ही नहीं हो सकता कि उनके लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद नहीं है यू नो, तो हम जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं, इन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की है सीमेंट के ट्रैक पर, इसीलिए हमारा ये था कि हम अगर कल की डेट में अगर चले जाते तो हमें कम से कम 3 दिन अगर इनको मिल जाते तो जिसके अंदर ये
कम से कम मैं 100% तो नहीं तो कम से कम 70% ये अपने आप को वहाँ के ट्रैक में, वहाँ के इन्वायरमेंट में और वहाँ की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर जाते और ये अच्छी पोजीशन में होती है। जितना डिले हमें वो मिलेगा इनके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इनको मौका ना मिला वहाँ पर वो 2-3 दिन का तो क्योंकि इसमें और उसमें मैं समझता हूँ कि ये ह्यूज डिफरेंस है, तो जिस डिफरेंस को जो है वो कवर करना जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। आप दुआ हम यही करते हैं कि कोई मोहसिन आपको हुकूमत में मिल जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर, तो पाकिस्तान में जनरली क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट करता नहीं है, लेकिन कोई सोचे और लकड़ी का वुडन ट्रैक आपको बना कर दे। लेकिन वाज़िम साहब, साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप ज़ाहिर है उस ग्राउंड से या स्टेडियम या वेलोड्रोम जिसको कहा जाता है उससे बाहर निकल कर भी रोड रेसिंग होती है और प्लस माउंटेन बाइकिंग वगैरह होती है, तो आपकी फेडरेशन के स्कोप में ये वाले एरियाज, बिकॉज इसके लिए तो किसी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो खिलाड़ी की अपनी स्किल्स और उसकी साइकिल की क्वालिटी और ट्रेनिंग वगैरह पे आ जाता है, सो वहाँ पे हमारा क्या फोकस है उन चीज़ों पे? उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा इस दफ़ा भी जो है वो अगर देखा जाए तो ताजिकिस्तान में जो एशियन रोड साइकिल चैम्पियनशिप हुई है वहाँ पर हमारे लड़कों ने जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है वो 5-5 पॉइंट हमारी टीम ने भी और लड़कों ने हमारे एक लड़के ने भी पॉइंट लिए हैं, जिसके अंदर हमारी अब रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो रोड के ऊपर जैसे आपने बात की है तो उसके ऊपर भी हम आएँ कि उसके लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े शहरों में जो रोड के लिए 10 किलोमीटर का अगर ट्रैक मुख्तस कर दिया जाए, खा वो मुख्त एक मखसूस टाइम के लिए मुख्तस कर दिया जाए जहाँ पे लड़के जो है वो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपर फोकस कर सके। इस वक्त अलमिया ये है कि आप देखें कि हम नॉर्मल जो रोडों के ऊपर इस वक्त बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इतनी डेंजरस होती है, हमें कई कई दफ़ा जिस वक्त हमारा नेशनल कैंप लगता है सिर्फ उस वक्त हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको बाकायदा गाड़ी पीछे से एस्कॉर्ट करती है ताकि उसको कोई पीछे से हिट ना करे, ठीक है। तो उस जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे उनको रोड का भी जो है वो स्पेशल डिफरेंट शहरों में ट्रैक उनको मिलता है जहाँ पे जो है वो लड़के जो है वो सेफली जो है वो ट्रेनिंग अपनी वो कर सके। मौसम साहब, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो भी एक लफ्ज आपका एक वो चाहिए, बिकॉज बहुत सारी मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ कि बहुत सारे आउटलेट्स पे कहा जा रहा है कि डिनाई कर दिया गया वीजा। डिनाई तो नहीं हुआ अभी तक वीजा इंडिया से? नहीं, डिनाई नहीं हुआ जी। ठीक है जी, बस मौजम साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मोहसिन खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल आर बेस्ट विशेस टू यू। आई होप कि आप लोगों को वीजा इन टाइम और आप लोग जो है जल्द अज जल्द ट्रैवल कर सकें और जाके अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। या एब्सोल्युटली। और ब्रेक पे अभी हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में कहा था कि सवेरा एंड आई टीम वी हैड एन आउटिंग कराची में, एक बहुत ज़बरदस्त गो कार्टिंग ट्रैक जो है वो खुला है, और जब अभी अब से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले हमारे प्रोग्राम में एक ड्रिफ्ट रेसिंग वाले दोस्त आए थे तो वहाँ पर ये डिस्कशन निकला एंड वी सेड के ओके व्हाई नॉट गो, क्यों ना वहां पर होकर आए। So कुछ गो टू गो, व्हाई नॉट गो टू गो कार्टिंग, एंड वी वेंट टू द गो कार्टिंग और बहुत मजा आया। तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सीधा आपको हम उस पैकेज पे ले जाएंगे अपने के हाउ मच बल्कि सवेरा एंड आई वी हैड अ रेस जिसको फैसला क्या हुआ, फैसला क्या हुआ ये आप देख लीजिएगा। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गेम सेट मैच ने जिस तरह हमेशा ये कोशिश की है कि कुछ नया आपके लिए लेकर आएं और आपको क्रिकेट से ज़्यादा बताएं और स्पोर्ट्स के बारे में एक्सपोजर दें, और तो एक और जगह आज हम मौजूद हैं, और अदील कहाँ मौजूद हैं? सो हम लोग कराची के इलाके इस वक्त कोरंगी क्रीक में मौजूद हैं जहाँ पे अब से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्टिंग जो सर्किट है वो बनाया गया है। सो इट्स कॉल्ड द ओमनी कार्टिंग सर्किट। कार्टिंग एक कार रेसिंग की फॉर्म होती है, इसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं। इट्स लाइक अ बिगिनर लेवल, जब आप बिग लेवल पे रेसिंग में, कार रेसिंग में जाना होता है,
स्टार्टिंग जो है लोग कार्टिंग से करते हैं पाकिस्तान में. वेल फैसिलिटीज़ तो थी लेकिन जो हमने अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड किया है मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ सवेरा यहाँ पर मौजूद थी. सवेरा नाय वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. हमने सोचा कि जी आप लोगों को ज़रा यहाँ का दौरा कराया जाए ताकि आपको भी इंटरेस्ट पैदा हो. सो सिर्फ हम एक्साइटेड ना हो, आप लोग भी एक्साइटेड हो, आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकें. सो ये गो कार्ट का जो एक एक एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. बट कैसे शुरुआत होती है आपको एक एक स्टेप साथ साथ लेकर चलेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू अस. एंड सबसे पहले इसमें हमें बताया ये गया है कि हमें शूम में जाना है जो पीछे और यहाँ पे हमारी ब्रीफिंग होगी. हमें थोड़ी बहुत सेफ्टी के बारे में गाड़ी कैसे चलानी है क्या होना है. सो आइए जरा ये ब्रीफिंग अटेंड करते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है जी, आ जाए हमारे साथ रहे. Yes, ये इनिशियल सेफ्टी ब्रीफिंग हमें मिल चुकी है. अदील समझ आ गया ना सही से क्या क्या करना है? बिल्कुल आई होप आपने भी इसको देख लिया क्योंकि यहाँ पे जो बात अच्छी लगी है वो ये कि आई थिंक द नंबर वन थिंग इज द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर. कुछ सर्टन रूल्स जिन्होंने हमको बता दिए हैं और अब हमको ये ले जा रहे हैं हेलमेट पहनाने के लिए. बिल्कुल, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. ऑल द गियर्स एंड ऑल वो सारे प्रॉम्प्ट होने चाहिए. उसके बाद फिर आपको आगे हम बताएंगे कि और क्या क्या होने वाला है. चलिए. मैं भी तैयार हूं, ये कार्ट भी तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइए. अदील आप तैयार हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली हम भी हैं तैयार. और ये लें जी, एज पर द इंस्ट्रक्शंस हम बैठ गए अपनी कार्ट में. गुड टू गो. और वो जो एक आपको फील होती है जब आप फुल अपना जो एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं. दैट वाज ग्रेट फन. सो थैंक यू सो मच टू द मैनेजमेंट हियर फॉर लेटिंग अस कम, फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड हैविंग अ वेरी गुड इवनिंग. तो ट्रैक पे मैंने अदील को कैसे हराया वो तो आप लोग सबने देख लिया है. तो अदील हाँ, वो चैलेंज जो है ना आपका बिल्कुल खत्म हो गया. बट ये मैंने हार मान ली. ठीक है जी, मैं बहस भी नहीं कर रहा कि इवन तो मैं जीत गया था लेकिन फिर भी चले. मैंने वो कहते ना जीत दे दी मैंने. लेकिन खैर एनीवे, एक तो इवनिंग इज सो प्लेजेंट. इस वक्त बड़ी जबरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे एंड आई थिंक द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस एंड एक्सपीरियंसिंग दिस इन कराची वाज वेरी प्लेजेंट. सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओमनी कार्टिंग सर्किट के जो CEO हैं वैस नकवी, हु इज द मैन बिहाइंड द शो और हु इज रनिंग द एंटायर थिंग हियर. सो वैस से आपका जरा मुलाकात कराते हैं और थोड़ी सी जरा इनसे भी जानते हैं द थॉट बिहाइंड हैविंग दिस प्लेस. वैस अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेलकम वैस एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग दिस स्पेस बिकॉज़ कराची में इतने साल रह के आई हैव बीन born and brought up here in Karachi but is tarah ki facility this is the first time I'm experiencing. Thank you so much, thank you for the kind words. Aur aap log aaye, time nikala
एंड वी दैट्स व्हाई वी बिल्ट इट कि आप लोग जो हैं वो आके अप्रिशिएट करें और इन्जॉय करें इसको. So, वैस खुद भी क्या रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, वर यू इनटू रेसिंग योरसेल्फ, बिकॉज उसके बगैर तो ये इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं लगता. एब्सोल्युटली. देखें दिस फैसिलिटी को अभी सॉफ्ट ओपनिंग हमने की है, प्रॉपरली इसको ओपन नहीं किया है और वो जनवरी से की है, बट इट्स बिन अ 12-year जर्नी. तो 12 साल लगे हैं कि इस चीज़ को जब से मैंने कंसेप्चुलाइज किया था और ट्रैक डिज़ाइन वगैरह किया और फिर आगे उसको ले के आना डेवलपमेंट स्टेज में इस लेवल पे, तो 12-year की प्रोसेस है. और मैं ख़ुद पहले काफ़ी साल पहले आई यूज़ टू डू जूनियर फार्मूला रेसिंग. आई वॉज पाकिस्तान फर्स्ट प्रोफेशनली लाइसेंस्ड फार्मूला रेस कार ड्राइवर. तो वो करते करते यहीं पे रोकूंगी मैं आपको. वेयर डिड यू ट्रेन? नोवेयर, देयर वाज नो फैसिलिटी. तो जो भी करना था वो बाहर जाके करना पड़ता था. क्लोजेस्ट हमारे पास दुबई है, तो दुबई कार्ड्रोम पे काफ़ी रेसिंग की है 24 आवर्स की. उनकी चैम्पियनशिप में 5-4 दफ़ा हिस्से लिए हैं, टीम लेके गया. और बाहर जब भी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके, ट्रेनिंग करके और फिर कोशिश की. मैंने F1 सर्किट्स पे अपने प्रोफेशनल फार्मूला लाइसेंस लिए ट्रेनिंग के, और फिर आगे बढ़ने का एक इंडेवर था. बट देर वर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जब तक लोकली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स, इस स्पोर्ट को डेडिकेटेड वेन्यू नहीं मिलेगा, तो फिर आप प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, गाइडेंस होगी, कॉम्पिटिशन्स होंगी, तो वो फिर आगे बढ़ने के उस वक्त चांसेस नहीं थे. सो वेस, व्हेन यू कंपेयर ये जो ओमनी कार्टिंग सर्किट है, व्हेन यू कंपेयर इट विद फैसिलिटीज जो आपने दुनिया भर में देखी हैं, या क्लोजेस्ट आपने यूएई की बात की, आई एम प्रीटी श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया एज वेल, वेयर डज दिस प्लेस स्टैंड, कहाँ कंपैरिजन में कहाँ आती है? मेरी ओपिनियन लेंगे तो आई फील वो थोड़ी बायस्ड शायद हो, बिकॉज इट्स बिन अ लेबर ऑफ लव और यू नो वो है. बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ. 1.6 किलोमीटर का सर्किट है और इट रैंक्स एटलीस्ट इन द टॉप 10 बिगेस्ट कार्टिंग ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द टॉप 5. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दुबई कार्ड्रोम जो है वो 1.2 किलोमीटर्स है. बहरीन इंटरनेशनल कार्टिंग सर्किट जो बहरीन के F1 ट्रैक के साथ अटैच है, वो 1.2 किलोमीटर्स है. तो हमने इसके फीचर्स और स्पेक्स सारे इंटरनेशनल लेवल के रखे और उनको एक्सीड किया है, ट्रैक विड्थ में, ट्रैक लेंथ में. लाइटिंग जो है वो हमारी बहुत एक प्राइड एंड जॉय है, बिकॉज अभी रिसेंटली हम विजिट करके आए हैं गल्फ रीजन के सारे ट्रैक्स, मैं और मेरे कॉलीग, और हम यही नोटिस कर रहे थे कि बिसाइड्स द साइज, द लाइटिंग कहीं पे भी कंपेरेबल नहीं है जो हमने रखी. अगेन प्योरली फ्रॉम अ लॉट ऑफ रीजंस, कि जब हम रेसिंग कंपटीशन कराएंगे तो आप लोग जब आके उसको कवर करें तो आपकी भी रिक्वायरमेंट होती है कवरेज की, और ऑब्वियसली ट्रैक पे ब्रांडिंग की विजिबिलिटी, एक्स्ट्रा लाइट्स ना लगानी पड़े, नहीं लगानी पड़े, और वो लुक एंड फील भी बिल्कुल उस लेवल की आए. प्लस ये LED लाइट्स हैं, तो आपने देखा है क्रिकेट स्टेडियम में जब लाइट चली जाती है तो वेट करना पड़ता है कि वो ऑन होने में, बट वी हैव LED लाइट्स इंस्टेंटली ऑन एंड ऑफ. अच्छा, ये तो आपने बता दिया, कैसे आए लोग यहाँ, कैसे ये एक्सपीरियंस जो है वो कर सके? सो अभी ये फैसिलिटी मेंबर्स ओनली है और मेंबर्स अपने साथ 5 गेस्ट ला सकते हैं. तो जो मेंबर बन रहा है वो आके इस्तेमाल कर रहा है विद देयर गेस्ट, और कॉर्पोरेट या प्राइवेट इवेंट्स के लिए हमने अभी एक्टिव रखा है. दैट इज़ प्योरली बिकॉज हमारी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अभी लिमिटेड है. यू नो वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द टीथिंग प्रोसेस, जो हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, इन्वेंट्री फॉर पार्ट्स एंड टायर्स विच आर रिक्वायर्ड, उनको अभी हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं. तो हम अगर पब्लिक के लिए, आपको पता है 25 million की कराची की पॉपुलेशन है शायद, तो उसको अगर हम दरवाजे खोल देंगे लैक ऑफ एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन, तो वो हम शायद अच्छी तरह से हैंडल ना कर सकें, तो वो नहीं कर सकेंगे. तो हमने ये सोचा है, इट्स बेटर टू वॉक बिफोर यू ट्राई टू रन, और इस तरह करें कि उस लेवल पे जब लाएं तो किसी को ना कंप्लेंट्स हों और हम हर एक को ख्याल रख सकें. तो इंशाल्लाह कुछ महीने में हम पब्लिक के लिए ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी ये है कि आप मेंबर बने या फिर कॉर्पोरेट या प्राइवेट इवेंट. वेस, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, यू आर अ वंडरफुल होस्ट, और मैंने और सवेरा ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, सो मच। एंड बट एक चीज़ मैं अदील जरूर यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो सवाल मेरे एक जहन में आ रहा है कि एक कोई जिस तरह आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी एंड यू हैड टू ट्रैवल टू दुबई, कोई एक लड़का या लड़की कम्पीट करना चाहते हो कार्टिंग चैम्पियनशिप, राइट, सो क्या आपकी तरफ से उनको कोई बेनिफिट मिलेगा दैट दे कैन यूज दिस ट्रैक टू मूव फॉरवर्ड? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अ लॉन्ग टाइम अगो जब समा टीवी वाज कॉल्ड सीएनबीसी पाकिस्तान, तो उस वक्त सीएनबीसी पाकिस्तान वाज आवर मीडिया पार्टनर फॉर पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर नेशनल कार्टिंग चैम्पियनशिप जो मैंने ऑर्गेनाइज की थी। दिस वॉज बैक इन 2008, विच वॉज अ लिटमस टेस्ट टू सी के इस चीज़ को अगर किया जा सकता है, और उस सपोर्ट के थ्रू काफ़ी अच्छी मुझे फीडबैक मिली और एक कॉन्फिडेंस आया। सो नाउ दैट द प्लेटफॉर्म इज़ हेयर, हम फुली प्लान कर रहे हैं, इंटेंड कर रहे हैं कि हम नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप्स यहाँ पे लाएं, लीग्स भी होंगी, ग्रैंड प्री लेवल होगा, एंड्योरेंस रेसिंग होगी, स्प्रिंट रेसेस होंगी, लेडीज़ की लीग होगी, हैवी वेट होगी, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स की मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, और उससे फिर जो टैलेंट आएगा उनको, देखें कुछ लोग करेंगे कम्पीट एट एमेचर लेवल फॉर फन, और कुछ लोग करेंगे ऑन अ सीरियस लेवल एंड दे वांट टू गो टू द प्रो लेवल, जो वो चाहेंगे फिर उनको हम यहाँ रेसिंग एकेडमी में कोचिंग करके, और यहाँ से जो चैम्पियन बनेगा उसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में उनको हम एंट्री करा के सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इफ़ दे कैन कम्पीट हेयर एंड विन and then if they can go there and compete, तो बहुत ही अच्छा होगा। इस ट्रैक को मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, डिज़ाइन इस तरह किया गया है that a driver that comes out of here will is designed to make you a race car driver. It has every kind of turn, hard braking, soft braking, full you know speed, full throttle. तो you learn everything, और यहाँ से सीख के आप किसी भी ट्रैक पे, किसी भी कंपटीशन पे आई बिलीव कम्पीट कर सकें। यानी कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप रेसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कराची की सड़कों पे कोई अब अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है रेसिंग की। यू हैव गॉट अ ट्रैक हियर, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुन रही हूँ, सो आगे आने वाले दिनों में जो है वो और आपके लिए आसानी हो जाएगी विद ऑल दीज चैम्पियनशिप्स कमिंग अप। आई होप कि कोई एसोसिएशन, कोई फेडरेशन ऐसी बने जिसकी वजह से हमारे रेसर्स जो हैं वो हमें कार्टिंग चैंपियनशिप में जाते हुए देखें। राइट, एब्सोल्युटली नहीं, और लॉट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम श्योर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ये चीजें भी ऑनलाइन हो जाएं। थैंक यू वंस अगेन वेस्ट, थैंक यू अदील, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग। मैच आपने देखा, पैकेज एक मज़ेदार, हमें हमारी यादें ताज़ा हो गई वो देखकर जितना मैंने और अदील ने इन्जॉय किया था। दो अदील रेस हार गए थे, बट इस वक्त जो है अगर सिंध हुकूमत की बात करेंगे, सिंध हुकूमत ने जो है वो कितने पैसे एलोकेट किए हैं फॉर देयर स्पोर्ट्स बजट, तो उसकी पूरी अपडेट हमारे नुमाइंदे खिजर आजम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी खिजर, क्या अपडेट है, सिंध हुकूमत ने कितना बजट एलोकेट किया है स्पोर्ट्स की तरफ और स्पोर्ट्स की चीजें बढ़ाने की तरक्की के लिए, तरक्की की तरफ? जी बिल्कुल, माली साल का बजट सिंध हुकूमत ने पेश कर दिया है जिसमें स्पोर्ट्स के लिए 4,60,00,000,000 रुपए रखे गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद भी शामिल है, कुछ नए वेन्यूज़ भी बनाने हैं उसका वो भी शामिल हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि पिछले कई साल से इल्तवा का शिकार थे वो भी इस बार बजट पर रखे गए हैं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि तैयार हुए होकर इस वक्त मौजूद हैं मगर वहाँ उसको रेनोवेट नहीं किया जा रहा। जिस तरह हमने अपडेट किया था लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी इस बजट पे रखा गया है कि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, 12,00,00,000 रुपए की
लागत से तैयार हुआ था, ताहम वो तैयार होने के बाद बदहाली का शिकार रहा। तो इसी तरह मैं बताता चलूं कि अब्दुलसत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम, जिसका ऐलान वज़ीर आला सिंध ने 2017 में किया था कि हम इस स्टेडियम को बनाएंगे, गुज़िश्ता बरस भी कहा गया था कि बजट में रकम रखी गई है, ताहम रकम रिलीज़ नहीं हुई। इस बार फिर जो है वो अब्दुलसत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम के लिए तकरीबन 42 करोड़ 25 लाख रुपये रखे गए हैं। दो हिस्सों में ये रकम आएगी। 84 करोड़ रुपए का पूरा एक तखमीना लगाया गया जो कि सिंध गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो स्टेडियम तैयार किया जाएगा, लांडी, न्यू कराची, इसके अलावा जो गुलिस्तान जौहर है वहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, लियारी का ककरी ग्राउंड है जिसका जिसकी इनोग्रेशन कर दी गई है, वहाँ पर काम हो रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद, वहाँ पर फुटबॉल टर्फ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि माड़ीपुर फुटबॉल स्टेडियम, उसकी भी फुटबॉल टर्फ है, वो भी बनाई जाएगी। एथलेटिक ट्रैक जो कि कराची में बहुत कम है, स्टील टाउन में इस बार एथलेटिक ट्रैक, और कराची का एक तारीखी जो कॉलेज है जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर प्रोड्यूस हुए हैं, तो अब जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसको ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाएगा। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कारसाज शामिल है। इसके अलावा जो नॉर्थ नाजाबाद में हॉकी स्टेडियम है ब्लॉक एच पे, उसकी जो तामीर है वो भी शामिल है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है, तकरीबन जो मजमूई तौर पर 4 अरब 60 करोड़ रुपये का ये जो बजट है ये पैसे हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी हैं। बट आई होप ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ की जीनत बन के ना रह जाएं और असल में भी जो है इन प्रोजेक्ट्स पे काम हो और एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बने। बट थैंक यू खिज़र, थैंक्स अ लॉट हमें अपडेट करने के लिए। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का गया है और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। ठीक है, बाय।